अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको करता हूँ। आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। आज बात चाह रहे हैं करेंगे जी, बसरा साहब भी तशरीफ ले आए हैं, तो अब बात हम शुरू करते हैं। मुजम्मल भाई भी तशरीफ ले आए हैं, तो मुजम्मल भाई को भी मैं वेलकम करता हूँ। जी मुजम्मल भाई, क्या हाल चाल है आप दोस्तों के? जी हाँ जी मुजम्मल भाई, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है क्या? आप मुझे सुन पा रहे हैं मुजम्मल भाई? जी, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अब आपको मेरी आवाज आ रही है मुजम्मल भाई? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है सर। नवीद भाई आपकी आवाज सही आ रही है। जी क्या हाल चाल है आपके? सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपके क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है सर। बिल्कुल अभी काम से छुट्टी की और घर जा रहे हैं, तो बस में हूँ। आप देख रहे होंगे मास्क पहना हुआ है जर्मन के रूल्स के सही मुताबिक। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप सुनाए, सब खैरियत है, ठीक ठाक? आज असल में मैं बात करना चाह रहा था। जी बिल्कुल, शुक्र है अल्लाह का। आज मैं बात करना चाह रहा था कि एक बात अक्सर हमें सुनने में मिलती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया वर्कर है उनको पैसे दिए जाते हैं कि वो कोई कंपेन लॉन्च करते हैं या कोई ट्रेंड चलाते हैं तो उसके उनको पैसे मिलते हैं। तो मैं काफी अरसे से हम भी इस फील्ड के अंदर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सपोर्ट किया है, और आप उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने जर्मनी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज है वो आपने बनाया था सबसे पहले। तो मैंने पूछना था कि आपको आज तक कितने पैसे दिए गए हैं, कितने पैसे आपको मिले हैं? बिल्कुल जैसे कि कहते हैं नवीद भाई, आप बता रहे हैं ना कि पाकिस्तान में प्रोपोगंडा किया जाता है कि जी सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो पैसे दे के चलाए जाते हैं। तो मैं तकरीबन 2010 से वाबस्ता हूँ जो पीटीआई जर्मनी से, तो आज तक मैंने एक रुपया भी हमें कहीं से नहीं मिला, बल्कि हज़ारों रुपये हमने अपने पास से लगाए होंगे और आज भी लगा रहे हैं, और जब तक खान साहब चाहेंगे उस टाइम तक हम लगाएंगे, अपने पास से लगाएंगे। मगर सोशल मीडिया के जो पेजेस बनते हैं या सोशल मीडिया पे जो कंपेन चलाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आज तक मेरे पेज के ऊपर या मैंने अपने किसी पेज के ऊपर जो जिनको मैं एज अ एडमिन कर रहा हूँ, कि पीटीआई ने पाकिस्तान के या फौज के ख़िलाफ़ किसी किसी की पोस्ट लगाई हो, ठीक है ना? और जितने लोगों को मैं जानता हूँ जिन जो वाबस्ता है पीटीआई से और सोशल मीडिया में काम करते हैं, उनमें से मैंने कभी भी किसी के पेज के ऊपर नहीं देखा। ये हमेशा गुमनाम से पेज होते हैं, ठीक है? और गुमनाम पेजों का मतलब आप समझते हैं कि जैसे कि आपने मेरे खिलाफ़ कोई प्रोपोगंडा करना है, छोटी सी बात है, आप मेरे खिलाफ़ प्रोपोगंडा करना है, ठीक है, आप मेरे ऑपोजिट पोस्ट लगाना शुरू कर देंगे किसी और नाम से, गुमनाम बना के, तो बाद में पता चलेगा ये मुजम्मिल कर रहा है। आप मेरे नाम से पोस्ट आप चलाते जाओगे और इल्ज़ाम लगता जाएगा मुजम्मिल के ऊपर। तो ये चीज़ें इसी तरह होती हैं। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान में बाहर रहने वाले कोई भी कहते हैं सोशल वर्कर जो पीटीआई का सोशल मीडिया को डील करता है वो ऐसा भी हरकत करता है। और मुझे नहीं याद ना कि मैं आज तक कभी किसी ऐसे आदमी से मिला हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप भी कभी किसी ऐसे आदमी से नहीं मिले होंगे। आप अपना तजिया बताएं इस बारे में। हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। असल में मैं
एक और तरफ बात को ले जा रहा था मैं, ये आपसे पूछना चाह रहा था कि ये तो बात हो गई कि जो पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ जो लोग बात करते हैं वो बिल्कुल गुमनाम होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हमें कितने पैसे आज तक दिए गए हैं, या हमें आपको आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कब किसी ने मैसेज किया कि आप ये कंपेन चलाओ या आप वो कंपेन चलाओ, या किसी ने माली तौर पर आपकी मदद की हो कि अगर आप इतने ट्वीट करेंगे या इतनी पोस्टें लगाएंगे तो हम आपको फी पोस्ट का, जैसे जावेद चौधरी साहब कह रहे थे, अब वो इतने बड़े सहाफी हैं, वो कह रहे थे कि इनको 1500 रुपया या 500 रुपया, 1500 रुपया फी पोस्ट का या फी ट्वीट का या रीट्वीट का दिया जाता है, तो आपको कितने पैसे आज तक मिले हैं? मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। सर, इस हवाले से आज तक तो ना हमसे किसी ने रब्ता किया, ना हमें कोई बताया गया कभी किसी ने, और किसी किस्म के कोई पैसे कोई भी नहीं लेता। और जिन्होंने ये कहते हैं बताया कि 1500 रुपया पर पोस्ट का मिलता है, बंदा पहले उनसे पूछे तो आपने तो जिसने बताया कम से कम आप उसकी भी रिकॉर्डिंग कर दें, कोई ऑफिशियली कोई आपके पास सबूत हो, कोई वीडियो हो जिसके अंदर आप ये कह सकें ना। इस तरह मैं इल्ज़ाम लगा देता हूँ आपके ऊपर के नवीद भाई को मेरे ऊपर पोस्ट लगाने का 2000 रुपया मिलता है हर पोस्ट लगाने का। तो ये तो कहते हैं दकिया लुसी सी बातें हैं, और ये कहते हैं एक प्रोपोगंडा है जो कोई भी कर ले। तो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ टीवी की हद तक और अपने आप को फेमस करने के लिए है। कुछ तो लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े बड़े एंकर कुछ ऐसे हैं जो कोई मर गया ना उसके बाद कहते हैं मुझे उसने बताया था कि ये काम होगा, वो उससे पहले कभी नहीं बताते कि ये काम उसने मुझे बताया हुआ, जब मरने के बाद कहते हैं उसने मुझे बताया था कि ये काम ऐसे होगा ना। तो ये इल्ज़ाम भी ऐसे ही है। बिल्कुल आपकी बात ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है। ये लोग समझते हैं कि ये पीटीआई जो काम कर रही है ये नौजवानों को पेड पैसे दे के तो ये ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, वो ये बात मतलब उनके दिमाग में उतरने के लिए तैयार नहीं है, बुगज की वजह से या हसद की वजह से वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जेन्युइन मोहब्बत है नौजवानों की खान साहब के साथ, ये जेन्युइन इश्क है उनका, जुनून है खान साहब के साथ। एक बात पाकिस्तान, अब अभी देखें शहबाज गिल साहब की जमानत कैंसिल हुई है, उसे कैंसिल हुई को 2 मिनट हुए थे, हर बंदे ने अपने तौर पे पोस्टें लगा दी शहबाज गिल को रिहा करो, फ्री शहबाज गिल, मतलब ट्रेंड बनाने शुरू कर दिए। मेरा ख्याल है खान साहब को तो इस बात का पता भी नहीं होगा, या पार्टी की आला क्यादत को तो अभी तक पता भी नहीं होगा कि हमने इसके ऊपर क्या रिएक्शन देना है। वो तो भाग रहे थे कि हम आप फैसला लें और हाई कोर्ट के अंदर जाएं और इनकी जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोर्ट से रजू करें, वो तो सोशल मीडिया को शायद देख भी ना रहे हो, फॉलो भी ना कर रहे हो, तो सोशल मीडिया पे तो पहले ही मतलब ट्रेंड जो थे वो चलना शुरू हो गए थे। मैं आपकी बात को बढ़ाते बताता हूँ कि जितने जब शहबाज गुल की जमानत मुस्तरद हुई है ना, तो वो लाखों की तादाद में ट्वीट आ गया, अगर 1500 से तरफ देना तो वो कैसे कोई पे करेगा। और दूसरी बात ये है कि शहबाज गुल के हक में बोलना सिर्फ इमरान खान की वजह से है, तो शहबाज गुल को खुद पता नहीं होगा कि मेरे हक में इतने ज़्यादा पोस्ट लग चुकी हुई है। अब आप एक बात बताता हूँ, आज से कोई 5-7 साल पहले हम अपना टाइम ज़ाया करते थे मूवीज़ देख के, म्यूज़िक सुन के ना, जब हम सियासत में आए, खान साहब ने सियासत का बताया तो वही टाइम अब हम स्पेंड करते हैं पाकिस्तान के लिए और पीटीआई के लिए ना। तो उन लोगों को लगता है कि जी हम वो अब टाइम जो है ना पैसे दे के करते हैं, ये पैसे दे के नहीं करते, ये दिल और जान से किया जाता है, इसमें किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। और मैं आज तक किसी पीटीआई वर्कर से नहीं मिला जिसने कभी कहा हो कि हमें पैसे दे के कोई काम किया या हमें पैसे दे के कोई काम करवाया गया। ये हमारे साथ ओन बसरा साहब भी हैं, लेकिन पता नहीं ये क्यों यहाँ सामने नहीं आ रहे, शायद उनका कैम ऑन नहीं है, मुझे तो इसका स्ट्रीम यार्ड का इतना तजर्बा नहीं है, आज मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ और माशाल्लाह मुजम्मल भाई के साथ कर रहा हूँ, तो वो ओन भाई इसमें ऐड नहीं हो पा रहे, शायद उनका कैमरा ऑन नहीं है, उन्होंने कैमरा ऑफ किया हुआ है। ये तो रोहन भाई को पता होगा, आप एक दफ़ा ज़रा उन्हें ऐड करने की कोशिश करें, क्योंकि आप इस वक्त कहते हैं दोनों साइड से किसी को ऐड और डिलीट कर सकते हैं, मगर ये हाँ वो तो कि मैं कर रहा हूँ उनको ऐड करने की, लेकिन वो तो हो नहीं रहे, रोहन बस अगर हम तो सुन रहे हो तो। और रोहन भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? आ जाए यार, कहते हैं नवीद भाई आपसे डिस्कशन करना हाँ ये चाहते हैं, कैमरा ऑन बोले करेंगे तो वो आएंगे, बिना कैमरे के ऑन किए वो नहीं आ सकते। बिल्कुल ऐसे है। चले आप ट्राई करें रोहन भाई के साथ। नवीद भाई आपका
क्या एक तजिया है कि आने वाले वक्त में शहबाज गिल की जो जमानत उन्होंने मुस्तरद की है वो क्यों मुस्तरद कर रहे हैं, और उनको कहते हैं इतना तंग करने की वजूहत क्या है? उनसे खान साहब के बारे में, ये खान साहब के खिलाफ बयान दिलवाने की कोशिश की जा रही है, कुछ इस बारे में बताया था। जी बिल्कुल, आपने बात तो कर दी है, यही बात है, यही वजह है कि वो उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। एक तो ये वो चाहते हैं कि कोई बंदा भी कल को इस तरह की बात ना करे जो शहबाज गिल ने की है। मतलब आप, कल भी मैं बात कर रहा था ओन भाई के साथ, हम फेसबुक पे लाइव थे, जिस तरह पहले होता था ना कि पहले मसलक होते थे, मेरा मौलवी तेरा मौलवी, मेरा हलाल तेरा हलाल, मेरा हराम तेरा हराम, मतलब हर एक के अपने अपने हलाल हराम होते थे। अब हो गए हैं मेरा जर्नल तेरा जर्नल। तो मरियम नवाज, अगर नवाज शरीफ साहब अगर जनरल फैज साहब को गालियां निकाले ना, तो वो फौज का मसला नहीं है। अगर कोई जनरल सरफराज को कुछ कहे, तो आसिफ गफूर को कुछ कहे, वो फौज का मसला नहीं है। फौज का मसला क्या है? फौज का मसला है सिर्फ एक या दो बंदे, वो फौज का मसला है कि अगर उनके बारे में बात की जाएगी तो वो रियासत के साथ गद्दारी है। बाकी जनरलों को आप गालियां भी दे सकते हैं, आप उन्हें बुरा भला भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और शहबाज गिल साहब को जो टारगेट किया गया वो इसलिए किया गया है क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं है, पीटीआई के अंदर वो इलेक्टेड नहीं थे। लेकिन इलेक्टेड ना होने के बावजूद उन्होंने, वो ओवरसीज से आए हैं, आप ये मेरी बात को नोट करें कि उनको जो टारगेट किया गया उसकी क्या वजह है। क्योंकि वो ओवरसीज से आए हैं, ओवरसीज से कोई बंदा अगर आएगा तो उनको, ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी ये पैगाम देना मकसूद है कि जनाब आप ओवरसीज के अंदर बैठ कर, आप अगर समझते हैं कि आप हर किस्म की बात कर सकते हैं, तो अगर आप हमारे काबू में आएंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। देखिए ना, फैसलाबाद के अंदर जो वाकया हुआ है, उसका जो मुजरम है उस, या जो मुलजम है जिसके ऊपर इल्जाम है, बगैर किसी रिमांड के पुलिस ने उसकी जमानत 50,000 की कबूल कर ली है। क्योंकि वो जो तशद्दुद हुआ है वो एक आम पाकिस्तानी लड़की के ऊपर हुआ है, और यहाँ किसी के ऊपर कोई शहबाज गिल ने तशद्दुद नहीं किया। शहबाज गिल ने सिर्फ तनकीद की है जो हर पाकिस्तानी का राइट है। तो उस तनकीद करने की वजह से शहबाज गिल साहब को ये सजा दी जा रही है कि उन्हें कहा गया है कि जनाब हम आपको निशाने इबरत बना दें। उम्र कहते आपका उतर गया है। जी बिल्कुल, मैं बस से उतर गया, घर पहुंच गया। मुझे उम्र भाई लगता है कि ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं ना, इनसे हटके एक चीज़ में इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर कहते हैं फौज ने, कहते हैं शहबाज गिल के खिलाफ कोई बयान या कोई मुकदमा करना होता तो शहीद मजारी की बेटी की तरह फौज खुद कर सकती थी। ये जो सियासी, जो हमारी सियासी पार्टी हैं जो तेरह की तरह, वो सिर्फ और सिर्फ बताना चाहती हैं कि फौज के अलावा भी हम आपसे बदला ले रहे हैं, और वो बदला है वो जो इनसे ले रहे हैं ओवरसीज से, ताकि कल को कोई और ओवरसीज आके पीटीआई को या ज्वाइन ना कर सके, पाकिस्तान की खिदमत ना कर सके। क्योंकि अगर फौज ने ही कहते मुकदमा करना होता तो फौज खुद कर सकती थी। उन्होंने श्री मजारी की बेटी के ऊपर फौज ने खुद एफआईआर करवाई थी ना, तो ये एफआईआर फौज भी करवा सकती थी, ठीक है ना? क्योंकि एफआईआर करवाने के बाद आपने गिरफ्तारी करनी है, इन्होंने पहले उसे गिरफ्तार किया फिर एफआईआर की है, ठीक है ना? तो ये सिर्फ और सिर्फ मकसद इसका सिर्फ एक ही है, पीटीआई को कमज़ोर करना और ओवरसीज को डराना कि ओवरसीज किसी भी सूरत में कहते हैं खान साहब को सपोर्ट ना करें, मुझे तो ये लगता है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ये 100% दुरुस्त है। इसके अंदर एक तीर से कई शिकार किए जा रहे हैं, आर्मी को मतलब खुश किया जा रहा है, वो जिसे कहते हैं ना शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश की जा रही है, उनको खुश किया जा रहा है कि देखें ये बंदा था, ये खान साहब का मौकफ देता था टीवी पे आके, देखें हमने इसके साथ क्या किया। लेकिन मैं फिर एक बात, मैं बार बार आजकल कहता हूँ, मुझे, मैं हजारों लाखों दफा ये बात कह चुका हूँ, मैं फिर ये बात दोहराता हूँ कि ये लोग ये समझने से कासिर हैं कि ये जो कुछ ये लोग करेंगे या जो कुछ ये लोग कर रहे हैं, जो भी कुछ कर लें, मजीद भी जो इनके प्लान है, वो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का प्लान है ना, उसके ऊपर गालिब नहीं आ सकते। बिल्कुल, मेरा ख्याल है, मेरा ये ईमान की हद तक मेरा ये मानना है कि खान साहब को इन्होंने जो कुछ भी तकलीफ देनी थी या जो कुछ भी पीटीआई को इन्होंने करना था, हुकूमत से निकालना था, वो ये कर चुके हैं। इससे ज्यादा ये कुछ कर नहीं सकेंगे। अब देखें ना, ये क्या कर लेंगे, ये पीटीआई पे पाबंदी लगा देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क नहीं, नहीं पड़ेगा। नई नाम की नई पार्टी बन जाएगी, नई नाम से नई पार्टी बन जाएगी, और वो ज्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि
जितना ये पीटीआई को दबाएंगे, पीटीआई उतना मजलूम बनती जाएगी। और ये इंसानी तारीख है कि मजलूम जो होता है ना, वो कभी घाटे में नहीं गया, वो फायदे में ही जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे पीटीआई ही को मजलूम ही रहना चाहिए। इसमें मेरा एक जो हमारे कुछ जज्बाती नौजवान है, उनके बिल्कुल जज्बात हैं कि पीटीआई भी इस तरह की कार्रवाइयां करे, पीटीआई भी लोगों को इस तरह घरों से उठाए और उनके साथ इसी तरह का तरीका कार करे जो नून लीग कर रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप मजलूम है ना, आपको मजलूम ही रहना चाहिए, आपको जालिम नहीं बनना चाहिए। तो देखिए, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि अगर पीटीआई चाहती तो लाहौर में जितने लोगों ने 25 मई को जो किया था इस्लामाबाद जाते हुए, वो सबको गिरफ्तार कर सकती थी। जितने भी लोग थे सबकी पिक्चर्स थी, सबकी वीडियोस थी ना, मगर वो नहीं की। उसका फ़ायदा क्या होगा कि अल्लाह ताला आपसे खुश होगा, खुश होने के बाद आपको फतह देगा। जुल्म करना क्या कहते हैं, कोई इंसानियत है जुल्म करना? क्या मज़ा, हमारा मज़हब इजाज़त देता है कि हम जुल्म करें? ठीक है ना, तो वो आपके वाली बात के मज़लूम ही जो है ना, उसी की जीत होती है आखिर पे। ठीक है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, बहुत शुक्रिया मुजम्मल भाई, आज मेरी ये पहली लाइव थी, पहली सर जी, स्ट्रीम यार्ड का अफ्तिताह था, आप हमारे साथ थे। मैंने तुकीर भुट्टा साहब को भी लिंक भेजा था और उन्हें रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन वो नहीं आ सके। तो मेरा इरादा है कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर हम इस तरह की लाइव ब्रॉडकास्ट हम करते रहा करेंगे वक्तन फवक्तन, जब भी टाइम मिलेगा। आपको पता है कि यहाँ हमें पीटीआई वाले तो कुछ भी नहीं देते, हमने जो कुछ करना है अपने अपने पल्ले से करना है, तो अल्लाह ताला आप, काम भी करना होता है। मैं आपको कल या परसों तक की खुशखबरी दूंगा, जो आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी वो प्रोग्राम के बारे में। ठीक है ना, तो ठीक कल है मैं कल ठीक है, पे कल मेरा स्टूडियो तैयार हो गया, वह सब कुछ तो स्टूडियो फिर माशाल्लाह हमारे माशाल्लाह, अपने टीवी के लिए भी यूज़ होगा, और प्लस हमारा अपने पीटीआई के और पाकिस्तान के लिए भी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपको कल कॉल करके हमारा अपडेट करूंगा, पिक्चर वगैरह सब कुछ वहाँ पर रेडी है। सिर्फ और सिर्फ सही दो सही, तीन मंडे वाले दिन इसकी ओपनिंग है इंशाल्लाह, 28 के मैच के बाद ओपनिंग करेंगे पाकिस्तान से, जर्मनी से, जितने अपने पीटीआई के लोग हैं और जितने पाकिस्तानी जिनको हम जानते हैं उनको दावत देंगे, ताकि स्टूडियो में आए, वहाँ बैठे, एक आधा भी गपशप का प्रोग्राम रखेंगे, तो अलग आगे जो अल्लाह ताला को मंजूर। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चले जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया मुजम्मल भाई आपकी तशरीफ लाने का। चले थैंक मैं यू जी। आपको अब स्क्रीन से रिमूव करके देखता हूँ, ओन बसरा साहब ऐड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ये भी हो सकता है कि मेरी पहली स्ट्रीम है तो सिर्फ दो लोग ही आ सकते हैं। चले ओके, पॉसिबल है, चलें देख लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी बसरा साहब, आपका कैम ऑन नहीं है, आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा सरकार। चलें बसरा साहब, मेरा ख्याल है शायद आप अपना कैम ऑन नहीं कर सकते, तो मैं फिर आपसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी दिन हम दोबारा जो है वो यहाँ पे लाइव जाएंगे तो फिर आपको मदऊ करेंगे इंशाल्लाह। और मुजम्मल भाई ने, जैसा कि हमारे सामने जो सुनने वाले देखने वाले हैं, मुजम्मल भाई इंशाल्लाह जल्द एक टीवी चैनल लॉन्च कर रहे हैं जर्मनी के अंदर, पाकिस्तानियों के लिए उर्दू का चैनल होगा, तो उसके लिए इंशाल्लाह फिर उनको मुबारकबाद देंगे यहीं से। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और गिल साहब की अल्लाह ताला हिफाजत करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन, हर वर्कर गिल साहब के साथ दिल से खड़ा है, जान से खड़ा है, और हमेशा इंशाल्लाह ताला उनके साथ, हर मजलूम के साथ इंशाल्लाह ताला पीटीआई के वर्कर जो है वो खड़े रहेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन।